ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में इस साल 500 से ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया है। लड़कियों ने दाखिले में लड़कों को पछाड़ दिया है। सेकंड राउंड एडमिशन में 8 संकाय में ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया है। कॉलेज में छात्रों की रूटीन में कक्षाएं लगाई जा रही है। आपको बता दें कि हमीरपुर महाविद्यालय में इस वर्ष 1717 छात्रों ने दाखिला लिया है। हालांकि इनमें BCA और BBA के छात्रों को शामिल नहीं किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में इस साल 500 छात्रों ने ज्यादा दाखिला लिया है। लड़कियों ने दाखिले में लड़कों को पछाड़ दिया है। सेकंड राउंड एडमिशन में 8 संकाय में ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया है। कॉलेज में छात्रों की रूटीन में कक्षाएं लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर महाविद्यालय में इस वर्ष 1717 छात्रों ने दाखिला लिया है। हालांकि इनमें BCA और BBA के छात्रों को शामिल नहीं किया गया है। कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर में 781, BA में 709, BCom में 141 और BBoc में 86 छात्रों ने दाखिला लिया है। कॉलेज में 904 लड़कियां व 727 लड़के BSc, BCom व BA में दाखिल हुए हैं। BSc संकाय में 453 लड़कियां व 328 लड़के, आर्ट्स में 383 लड़कियां व 326 लड़के और BCom में 68 लड़कियां व 73 लड़कों ने दाखिला लिया है। यही नहीं, छात्रों की संख्या बढ़ने से कॉलेज प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि कॉलेजों में दिन प्रतिदिन कम हो रही छात्रों की संख्या चिंता का विषय बन गया था। अगर छात्रों की संख्या कम होने का सिलसिला यूं ही जारी रहता तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का हाल भी सरकारी स्कूलों की तरह ही हो जाएगा, जो कि एक चिंता का विषय है। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल का कहना है कि कॉलेज में छात्रों की कक्षाएं रूटीन में लगाई जा रही हैं, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके। कॉलेज में सभी संकाय के टाइम टेबल लगा दिए गए हैं और छात्र भी टाइम टेबल के हिसाब से कक्षाएं लगाने में लगे हुए हैं।